तो वेल गाइस यार, अब आप में से जो है काफ़ी सारे लोग को पता है कि यार लास्ट वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारे रीजंस बताए थे कि आपके ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस किस वजह से जो है वो हाई जा रहे हैं। और यार बेसिकली आप में से काफ़ी सारे लोगों ने जो कमेंट करके बताया कि यार भाई आप एकदम सही बोल रहे हो यार, लोग जो है काफ़ी मतलब ऐसे पैसे वैसे लेके और अभी भी बोल रहे हैं कि अब ये वाला ग्राफिक्स कार्ड ले लो, ये वाला ग्राफिक्स कार्ड ले लो। तो यार बेसिकली आज के इस वीडियो में हम सब लोग का इस काइंड ऑफ एक पर्दाफाश वाला वीडियो बनाने वाला हूँ कि यार बंदे मतलब क्या कर रहे हैं, कैसे आपको स्कैम किया जा रहा है। बिगेस्ट स्कैम ऑफ 2021, ये जो GPU स्कैम है ना आपका 2021 का, आखिरी आपको कैसे स्कैम किया जा रहा है इसमें। तो यार वीडियो आप पूरा देखेगा, बहुत इंजॉय आएगा आपको। वेल सो यार गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि यार मेरा नाम है चेतन नायमा और आप सब देख रहे हैं टेक्नाइट इंडिया यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम बात करते हैं PC रिलेटेड कंटेंट गेमिंग की। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हो PC रिलेटेड कंटेंट गेमिंग में तो मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो इंट्रो बोल बोल के थक गया हूँ, बेसिकली यार सब्सक्राइब कर लो। 99% लोग जो हैं आप में से बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यार छोटे क्रिएटर को सपोर्ट कैसे मिलेगा और आपको अच्छी अच्छी वीडियोज हम कैसे दे पाएंगे, यही बात है यार, सब्सक्राइब कर लो। सो गाइस आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो वी विल बी राइट बैक। गाइस यार देखो, बेसिकली ये जो मैं आपको स्कैम बोल रहा हूँ जो कि मतलब GPU स्कैम 2021, एक तो वो अगर आपने हर्षद मेहता वाली मूवी देखी है तो एक वो स्कैम हुआ था या फिर अभी स्कैम हो रहा है। ठीक है, देखो स्कैम के सबसे पहले बड़े कारण बता देता हूँ, ये कोविड की वजह से बता रहे और माइनिंग, जबकि मतलब दोनों ही कारण काइंड ऑफ फ्लॉप कारण है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, एनवीडिया भाई इतनी बड़ी कंपनी है ना कि इतने उसने पहले से GPU बना के रखे हुए कि पूरा वो फीड कर सके आपको। ठीक है, ये जो बहाना बना रहे ना ये लोग आपके नेहरू प्लेस में जा जाके और 10-10% उनसे ले लेके 20-20% कमीशन पे कि यार हमारे भाई ग्राफिक्स कार्ड बिकवा दो, क्यों? क्योंकि लोग नहीं ले रहे, क्योंकि लोगों को पता है महंगे हैं। बट काफ़ी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो जा रहे हैं नेहरू प्लेस जा रहे हैं या फिर आपके लेमिंगटन रोड जा रहे हैं और दुकान वालों से पहले बात कर लेते हैं, भाई ये है और हम आपका 10% 20% कमीशन ले देंगे, और वो बोलते हैं कि अब ये वाला ग्राफिक्स कार्ड ले लो, ये प्राइसिंग है, ये प्राइसिंग है, मतलब एकदम शान से बोलते हैं कि ना जैसे कि मतलब आपको एकदम लेजिट प्राइसिंग दे रहे हो। ठीक है, बंदे RTX 3060 Ti 70-70 हज़ार में ले रहे हैं। ठीक है, जबकि एकदम वर्थ इट नहीं है वो कार्ड, 3060 Ti आप 70 हज़ार में लो तो ठीक है। अभी काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाया, आपके IG ने भी वीडियो बनाया और काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाया कि यार भाई क्या दिक्कत है, आपको भी इतने महंगे ग्राफिक्स कार्ड क्यों नहीं लेने चाहिए। यहाँ तक कि आपको काफ़ी सारे जो अच्छे अच्छे इनको मैं जानता हूँ, वो काफ़ी अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं, बड़े यूट्यूबर्स, कि यार अभी आप मत लो ग्राफिक्स कार्ड लेना, प्रिवेंट करो। बट अगर आपको अभी चाहिए तो आप कोई अच्छे ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जा सकते हो, काइंड ऑफ 6600 XT जो है वो आपको 45,000 में मिल रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छी वैल्यू ऑफर कर रहा है इन कंपेरेबल टू 3060, क्योंकि हम सबको पता है कि यार RTX 3060 जो है वो अभी काफ़ी एक्सपेंसिव बिक रहा है। ठीक है, तो अभी ये स्कैम आपको कैसे हो रहा है, बेसिकली देखो आपके पहले दो को सबसे पहले स्टार्टिंग से मैं बात करता हूँ। ठीक है, 20 सीरीज के कार्ड एनवीडिया ने लॉन्च किए थे। ठीक है, 20 सीरीज के कार्ड लॉन्च किए थे, 20 सीरीज उसकी इतनी चली नहीं थी, काफ़ी लोगों ने बड़े बड़े सेलर्स ने बल्क में कार्ड्स मंगाए 20 सीरीज के। ठीक है, 2060 सुपर 2060 बल्क में कार्ड्स मंगाए, उसके बाद एनवीडिया ने अचानक 3000 सीरीज लॉन्च कर दी। अब 3000 सीरीज के कार्ड्स इतने अच्छे कार्ड्स थे कि लोगों ने 20 सीरीज स्किप करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, और उसके बाद आपका कोविड भी आ गया। अब ये क्या हुआ कि अब भाई दुकान वालों को तो लफड़ा हो गया ना, क्योंकि यार कस्टमर नए कार्ड की डिमांड करेगा ऑब्वियसली, क्यों 2000 सीरीज की तरफ जाएगा वो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया भाई, सब लोगों ने मिलकर मतलब कम्युनिटी बना ली कि यार हम आपको 3000 सीरीज के कार्ड देंगे ही नहीं प्राइस पे, आपको लेना है तो आप 26 लो, वो भी महंगा महंगे दे रहे। ठीक है, मतलब इन्होंने कार्ड सबसे पहले ना गोडाउन स्टॉक करके रखे हुए हैं, किया कुछ नहीं, गोडाउन में स्टॉक करके कार्ड्स पड़े हैं और आपको मतलब सप्लाई की शॉर्टेज लाई जा रही है, यहाँ पे ज़बरदस्ती सप्लाई की शॉर्टेज लाई जा रही है, जबकि आपकी सप्लाई है। ऐसी बात नहीं है कि सप्लाई बिल्कुल खत्म हो गई है, कार्ड बन रहे हैं। अगर कार्ड नहीं बनते तो यार मुझे बताओ माइनर्स को ये 80-80 कार्ड कहाँ से मिल रहे हैं, कहाँ से सप्लाई आ रही है इतनी। ठीक है, जो आपके HHR कार्ड्स आ रहे हैं नॉर्मल वाले या फिर जो आपके 3060 Ti LHR वर्जन्स भी मिल रहे हैं, वो 80-80 कार्ड्स कहाँ से मिल रहे हैं माइनर को। कंपनी तो एक ही है ना एनवीडिया, आपको भाई एनवीडिया गेमर्स के लिए भी वही कार्ड बना रही है, माइनर के लिए भी वही कार्ड बना रही है, तो फिर एक गेमर को एक कार्ड की बजाय माइनर को 70-70 50-50 कार्ड कैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो यार बेसिकली देखो क्या है कि स्टॉक फुल आ रहा है आगे से, स्टॉक में आपके इशू नहीं है अभी भी। ठीक है, और इसमें थोड़ी बहुत गलती जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था एनवीडिया की भी है, क्योंकि एनवीडिया चाहे तो इसको रोक सकता है, बजट सीरीज के कार्ड लॉन्च करके इनको रोक सकता है, बट एनवीडिया को भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है 30 सीरीज के कार्ड से, क्योंकि हम सब जो आपके पुराने पास्कल सीरीज वाले बंदे हैं जिन्होंने 20 सीरीज में अपग्रेड नहीं किया, वो सारे ये वाली सीरीज में अपग्रेड करे 3000 सीरीज में। तो देखो कार्ड आपके दूसरा है नहीं, ठीक है, तो मर के भी आदमी को 30 सीरीज का कार्ड ही लेना है। ठीक है, क्योंकि AMD के कार्ड्स महंगे हैं, ये काफ़ी एक बस AMD का कार्ड है 6600 XT जो भी, जो कि लोग पता नहीं क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो फॉरेन यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहे हैं, आपकी गेमर नेक्सस की देख रहे हैं, लाइनस की वीडियो देख रहे हैं। गाइस वो बंदे उनकी जगह सही है, क्योंकि
उनके एरिया में, उनके कंट्री में वो जो कार्ड है वो 3060 से महंगा लॉन्च हुआ है, और 3060 आपको रे ट्रेसिंग अच्छी परफॉर्मेंस अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, और दो तीन चीज़ 3060 में अच्छी है, इसलिए आप वो लोग 6600 एक्स लेने को नहीं बोल रहे हैं। बट इंडिया में बात करूँ तो इंडिया में 3060 की जो प्राइसिंग है वो काफ़ी ऊपर है इन कंपेरेबल टू 6600 XT, तो आपको 6600 XT ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी दे रहा है अगर आप अभी वो कार्ड लेना चाहो तो। यार देखो, ये तो मैंने आपको कुछ ना स्कैम की बात बता दी कि यार कैसे आपको स्कैम किया जा रहा है, ठीक है। कार्ड्स सेलर जो है आपके कार्ड्स पूरे रोक रहे हैं, ठीक है, सेलर आपको देना नहीं चाहता, और मतलब कार्ड के साथ भी मतलब आप ये देख लो कि ज़बरदस्ती मतलब आपको जो है 30 सीरीज़ के कार्ड पकड़ा रहे हैं। और भाई जितने भी इसमें दुकानदारों के पास पुराने स्टॉक पड़े थे ना 10 सीरीज़ के और आपके 16 सीरीज़ के, तो सारे स्टॉक क्लियर कर दिए इन्होंने। इन्होंने 16 सीरीज़ ऊपर 30-30, 35-35, 40-40 हज़ार का बेच के और इन्होंने क्लियर किए हैं। पर ग्राफिक्स कार्ड 10-15 हज़ार प्रॉफिट कमाया इन्होंने, 16 सीरीज़ के ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, 20 सीरीज़ पर तो मैं जा ही नहीं रहा, ठीक है, तो इतना कमाया है। तो भाई लोग देखो, आप ऐसे वीडियोस देख के और ऐसे सांड की तरह कार्ड लेने मत चले जाओ नेहरू प्लेस लेमिंगटन रोड में, ठीक है, और आप वेट करो। स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी ये लोग नहीं हटेंगे जब तक ये कोविड का पूरा सॉल्व नहीं हो जाता और माइनिंग पूरी डाउन नहीं हो जाती, ये लोग आपको इसी प्राइस में कार्ड्स बेचते रहेंगे। स्टिल मैं आपको बता देता हूँ, अभी अगर आप लोग अभी बिल्ड करना चाहते हो तो आप एक APU बिल्ड कर लो, 5600G वाला बिल्ड कर लो, 5600G आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेगा अभी के टाइम में। मतलब वैल्यू फॉर मनी तो मैं क्या ही बोलूँ भाई, 60 हज़ार में आप एक APU बिल्ड कर रहे हो तो वो वैल्यू फॉर मनी नहीं होता है, बट स्टिल यू हैव द ऑप्शन टू प्लेइंग गेम्स, ठीक है, आपको गेम्स खेलने का ऑप्शन मिलेगा 5600G में, एंड जब ग्राफिक्स कार्ड सस्ते हो तब आप जो है GPU बाय कर लेना, ठीक है गाइस। यार गाइस, अब आपके क्या व्यूज़ यार, इतना लेक्चर मैंने दे दिया क्योंकि यार देखो मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसा बनाना चाहिए, क्योंकि यार काफ़ी लोग जो हैं कमीशन के चक्कर में ऐसे पागल पागल बना रहे हैं, और देखो सच बात यही है, कुछ होना है नहीं, ये सारा स्कैल्पिंग हो रही है मार्केट में, GPU स्कैल्पिंग हो रही है, ठीक है। अभी भी आपको बता देता हूँ, अच्छे प्राइस में अगर कार्ड मिल रहा है आपको 30-36 अगर 45-50 हज़ार में मिल रहा है तो ही लो, ओवर प्राइस कार्ड मत लो। देखो पैसे आपके हैं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, और आप फालतू में क्यों किसी को 15-20 हज़ार रुपये में फोकट के दोगे। वैसे यार गाइस, आपके क्या व्यूज़ इस वीडियो के बारे में मुझे नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं। यार गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो ना GPU स्कैम के बारे में, GPU स्कैम वाले अगर वीडियो पसंद आए हो ना तो इस वीडियो को दबा के शेयर करना और मुझे नीचे कमेंट जरूर करना। वैसे गाइस, यार होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक करें, नहीं होता आप लोग सब्सक्राइब करें। अगले ऐसे वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।